पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की, और सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन के बाद एक रिकॉर्ड बन रहे हैं, और वहीं पर सोमवार को एक ही दिन में 1,78,000 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण पूरा हो गया है, और ये एक दिन का आंकड़ा है जहां पर जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। वहीं पर उपराज्यपाल की बात करते हैं तो उपराज्यपाल ने ट्विटर पर स्वास्थ्य विभाग को इसकी बधाई भी दी है, और डिप्यूटी कमिश्नर और डॉक्टर्स के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी पीठ थपथपाई है। आपको बताएं कि सोमवार को एक ही दिन में 1,78,000 लोगों का कोविड टीकाकरण पूरा हो चुका है, और उपराज्यपाल ने ट्विटर पर इसमें स्वास्थ्य विभाग की को बधाई भी दी है, और साथ ही साथ डिप्यूटी कमिश्नर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, और उनको भी शाबाशी देते हुए वो नजर आए। और वहीं पर जहां पर जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है तो वैक्सीनेशन का जो कैंपेन था वो जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से चलाया जा रहा था, और उस बीच जब तीसरी वेव के अंदेशे बढ़ते जाने लगे तो उसको लेकर कोविड वैक्सीनेशन के जो कैंपेन्स थे उसमें भी तेजी लाई गई, और उसी के मद्देनजर ये हमें देखने को मिला है कि सोमवार की बात करें तो एक ही दिन में 1,78,000 लोगों ने अभी तक कोविड वैक्सीनेशन करवा ली है, और ये रिकॉर्ड एक बार फिर जम्मू कश्मीर में टूटता हुआ नजर आया है। ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी यहां पर जुड़ चुके हैं, तो विनोद जी की तरफ रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो उस बीच जो फार फ्लंग एरियाज हैं उनको लेकर किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। विनोद जी, पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करते हैं, दूरदराज इलाकों की बात करें, तो वहां पर अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज नहीं है, लोगों को जो सुविधाएं हैं वो वहां पर नहीं मिल रही है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को किस तरीके की तैयारियां करनी है कि जो स्वास्थ्य विभाग जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दूरदराज के इलाकों में है वहां पर भी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन जो है प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर टाइम पर दी जाए। हाँ बिल्कुल पल्लवी, आपने ठीक कहा, लेकिन ये जो अपने आप में कीर्तिमान बना है 1.78 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, डिप्टी कमिश्नर्स हो, या जितना भी अमला इस वैक्सीनेशन में लगा हुआ है वो वाकई बधाई के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। और दूसरी बड़ी बात आपने ये कही कि फार फ्लांग एरियाज में किस तरीके से वैक्सीनेशन की जाएगी, वो ऑलरेडी डोर टू डोर एक प्रयास किया जा रहा है कि घर घर में जाकर के आशा वर्कर्स की मदद के साथ या फिर वहां पर जो इलेक्टेड पंचेज सरपंचेज हैं उनकी मदद के साथ एक एक घर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिसकी आयु 18 से ज्यादा है, उनको कहीं ना कहीं वैक्सीनेट किया जा रहा है। एक प्रयास जो है डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि 100% वैक्सीनेशन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो रफ्तार कल हमने देखी है, और खुद LG मनोज कुमार सिन्हा इससे बड़े खुश नजर आए, उन्होंने ट्वीट करके मुबारकबाद दी सबको जो इस सारे मुहिम में जुटे हुए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीक होता है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द पूरे जो लोग हैं 18 साल की आयु से ऊपर वाले उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन से कतराते हुए नजर आते हैं, तो लेकिन अब जब जहां पर रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज को खोला जा रहा है वापस से, और जो जिस तरीके से लाइफ पहले चलती थी वैसा ही लाइफस्टाइल लोगों को देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है इस चीज को लेकर, तो अवेयरनेस के कैंपेन्स चलाना कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, शुरुआती दौर में ऐसी शिकायतें मिली थी कि लोग अवॉइड कर रहे थे, कि लोग इंजेक्शन नहीं लगा रहे थे, एक भ्रांतियां पैदा की गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जागरूकता आ रही है। आप देखिए, स्लॉट लेने के लिए लोगों को दिक्कत आती कि मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग जागरूक हैं। और जो लोग जागरूक नहीं है, अगर हम दूरदराज एरिया की बात करें वहां पर लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता नहीं है, तो वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ की आशा वर्कर जो हैं, वहाँ की जो लोग जीत करके आए पंचायत सरपंच की बात करेंगे, VDC की बात करें, DDC की बात करें, उनको जाकर के लोगों को समझाना होगा कि इस वैक्सीनेशन से कितनी प्रोटेक्शन हमें मिलती है COVID-19 से। तो हर एक व्यक्ति को अपने अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, और इस वैक्सीनेशन से ही अभी तक वेव 3 को रोका जा सका है, या वेव 3 अभी तक प्रभावशाली तरीके से नहीं आ पाई है।
जी बिल्कुल विनोद जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा बच्चों को लेकर। अगर स्कूल्स को जब खोला गया, 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जो क्लासेस थी वो वापस से शुरू की गई, लेकिन वहां पर भी देखने को मिला कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे जिनका कहना था कि बच्चों को लेकर अभी कुछ इस तरीके की वैक्सीनेशन नहीं बनाई गई है। तो इस बीच सरकार ने ये जो फैसला लिया है स्कूल्स खोलने का, और वापस से जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स के साथ साथ जो हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां पर भी बच्चे जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत से केसेस सामने आए, बहुत से डिस्ट्रिक्ट से केसेस सामने आए जहां पर बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। तो अब ये जो डिसीजन लिया गया है, इसमें किस तरीके की और फ्रेमवर्क की जरूरत है, क्योंकि क्रॉस चेकिंग बहुत ज्यादा जरूरत की बात है, क्योंकि जब भी इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं और कहीं पर भी प्रोटोकॉल्स निकाले जाते हैं तो एक फ्रेमवर्क की जरूरत रहती है, क्रॉस चेकिंग की जरूरत रहती है। देखिए, कुछ रोज पहले राजौरी में कुछ लोग पॉजिटिव आए थे, बच्चे पॉजिटिव आए थे, उसके बाद स्कूल बंद कर दिया था। कल ही पुंछ में भी करीब आधा दर्जन बच्चे पॉजिटिव आए हैं, वो स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। अब आलम यह है कि जो बच्चा 12th तक पढ़ता है उसकी आयु 18 साल नहीं हुई होती है तो उसको वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता है। अलबत्त RT-PCR टेस्ट एक प्रोविजन है, रैंडम टेस्ट, रैपिड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो एक प्रोविजन है। दूसरा, 50% अटेंडेंस की जाए, 50% ही आए, और अंदर जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, प्रोटोकॉल है, उसका पूरा पूरा यानी SOPs का पूरा पालन किया जाए, ये एक तरीका हो सकता है और इस तरीके का प्रयोग भी किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि 100% हाजिरी भी हो जाए, 100% टेस्टिंग भी ना हो, उसके बाद कहीं ना कहीं मामले बढ़ेंगे, जैसे हमने पुंछ और राजौरी में देखा है। हमें एहतियात बरतनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रिकॉशंस लेने के साथ साथ हमें स्कूल भी चलाने हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चलाने हैं, लेकिन पढ़ाई पर भी इसका असर ना पड़े। क्योंकि 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, और 21 भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं पढ़ाई पर असर पड़ा है। आगे फ्यूचर इस ना पड़े असर, इसके लिए पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, मैनेजमेंट को भी एक सोच बना करके चलना पड़ेगा, ताकि ना पढ़ाई सफर करे और ना ही वेव 3 उन पर आक्रमण कर सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी, और जिस तरीके से हमने कोरोना के बारे में आपको बताया कि जो वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड है वो एक दिन में टूटता हुआ जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है, और लोगों द्वारा भी वैक्सीनेशन को लेकर काफी जागरूकता दिखाई जा रही है। हालांकि अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर अभी भी वैक्सीनेशन का जो स्तर है वो बहुत कम नजर आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इकाई की। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रिहाई को मांग को लेकर जम्मू में आज प्रदर्शन किया जा रहा है, और जम्मू में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, और उनका साफ कहना है कि महासचिव प्रियंका गांधी की रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। यूपी की सीतापुर में हिरासत में जो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को लिया गया है, उसके बाद से ये बात कही जा रही है और ये मांग पूरे भारत में उठाई जा रही है, और उसमें जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो गया है। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश में प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को जो था वो हिरासत में ले लिया था, और उसके बाद से अब वहां पर एक के बाद एक मांग जो है वो उठती नजर आ रही है, और जम्मू कश्मीर में भी इसका प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। लेकिन ज्यादा जानकारी क्या है और ज्यादा जानकारी में क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेताओं का, उसी के साथ चलिए देखते हैं कि रमन भला पूर्व मंत्री उन्होंने क्या कुछ कहा है। भाजपा बड़े दावे करती थी बेटी पढ़ाओ बचाओ, जब किसानों के आंदोलन को संघर्ष तरीके से जो कर रहे थे, जब उनकी आवाज इतनी बढ़ गई कि भाजपा परेशान हो गई, अब दबाने और कुचलने का काम किया। हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्र यहाँ पे हुए, प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी के सिलसिले में जो रवैया यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया उसकी घोर निंदा यहाँ पे करते हैं। बेटी पढ़ाओ बचाओ की बातें करते हैं, जब एक महिला जो ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी थी, नेशनल पार्टी की थी, यूपी के प्रभारी थी, और वो किसानों को उन परिवारों के साथ उनके आंसू पूछने के लिए जा रही थी, उसमें भी मनाई की उस तरीका जो अपनाया, आरोप है कि वो महज राजनीति कर रही है यहाँ पे, वो बीजेपी अपनी सियासी रोटे आप खिसकती हुई साख जो है उसको बचाने के लिए यही करेंगे। बाला पाला जो है बाल जो है भाजपा के ग्राउंड में यहाँ पे है, और जिस ढंग से उन्होंने अनदेखी किसानों की यहाँ पे की, और यहाँ पे उन लोगों ने जिस ढंग से यहाँ पे आदमी किसानों को कुचला,
दबाने की आवाज की यहाँ की जा रही। मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई। आज की भाजपा की सरकार सत्ताधारी डेमोक्रेसी के तौर पे नहीं, एरिस्टोक्रेटिक तौर पे यहाँ पे काम कर रही है। हम इसकी घोर निंदा यहाँ पे करते हैं और हम आखिरी दम तक मसला हल नहीं होता। जो मंशा भाजपा की थी, जो मंशा यूपी सरकार की थी, जिस मंशा के माध्यम से यहाँ पे किया, तो पैसों के बदौलत किसानों की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। और उसके लिए जो एटीट्यूड यूपी सरकार ने बनाया कि प्रियंका जी की आवाज को रोकने के लिए, कि जो गरीब आवाम के साथ जा रही थी उनका हाल पूछने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने का जो प्रयास भाजपा ने किया, हम उसका कड़ा विरोध करने के लिए। कि पूर्व मंत्री रमन भल्ला का क्या कुछ कहना था, और वहीं पर कांग्रेस द्वारा यहां पर प्रदर्शन जम्मू में किया जा रहा है, वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहां पर जुड़ चुके हैं। तो अनिल की तरफ रुक करते हैं। अनिल, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो प्रदर्शन यहां पर हो रहे हैं इसको लेकर उनका क्या कुछ साफ कहना है, क्योंकि प्रियंका गांधी की रिहाई को लेकर ये जो प्रदर्शन है ये किया जा रहा है और कांग्रेस इकाई सड़कों पर उतर कर आई है, लेकिन वहीं पर बीजेपी पार्टी की बात करें तो क्या भाजपा द्वारा इस पूरे मामले को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई हो? जिस तरह से हमने सुबह भी बातचीत करने का प्रयास किया था बीजेपी खेमे से, हालांकि वो कहें ना कहीं थोड़ा सा किनारा करते हुए आई है, कहें ना कि कांग्रेस खेमे की बात करें तो कांग्रेस खेमा आज भारी मात्रा विपरीत होकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरह से आप कहा कि पूरा लखीमपुर खीरी के अंदर पूरी तरह से एक निरुपम घटना जो है वो देखने को मिली है। किसानों की बात की जाए, लगभग जो है एक वर्ष जो है बीतना बीतने जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि 3 महीनों का ज्यादा समय हो चुका है, किसानों अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारे कानून, जो जिस तरह से ये 3 कानून लाए गए हैं उनके हित में जितने भी किसान है वो सामने साफ तौर पर नजर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने ये एक निर्मम घटना जो आप पूरी तरह से आप देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टीवी चैनल्स पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी एक घटना जो है वो बताने का प्रयास किया जा रहा है, और लगातार हम भी अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि लगातार 24 घंटे जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे संवाददाता है, लगातार रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा कि एक विजुअल के माध्यम से भी किस तरह से वो एक गाड़ी आती है, वो थार गाड़ी आती है, वो कुछ लोगों को वहां पर रोंद कर चला जाती है। हालांकि कारण क्या थे, क्या परिस्थितियां थी, क्या पूरा वहां पर, अब तो पूरा जांच का विषय है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि 8 लोगों पे निरुपम हत्या की गई है, हालांकि अब ये सुबह ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें पोस्टमार्टम में साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि कोई भी गोली की घटना जो है वो देखने को नहीं मिली है। हालांकि उस पोस्टमार्टम में ये चीज साफ तौर पर निकल कर आई है कि जिसमें कुछ लोगों को जो है रोंदा गया है और कुछ लोगों को। देखिए अनिल, हम किसान कानूनों की बात कर रहे हैं तो किसान कानून जो है वो सरकार और किसानों के बीच का ये मुद्दा है, लेकिन वहीं पर हमें जो विपक्ष पार्टी है यानी कि जो ऑपोजिट पार्टीज है वो दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो भी बहती गंगा में हाथ धोते ही नजर आ रही है, और इस तरीके से ही वो भी प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो जारी होता जा रहा है। तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना कितना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये फार्मर्स की बात है और फार्मर्स जो है वो, अगर जम्मू कश्मीर के किसानों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के किसान कहीं पर भी सड़कों पर नजर नहीं आए हैं, लेकिन वहीं पर इसको पॉलिटिकली मोल्ड करना। आपकी बात बहुत साफ है और कहने की ये तो देखने वाला जरूर समाज देखने को रहा है कि किसान जम्मू की बात करें तो ऐसा कोई भी किसान जो है जम्मू के अंदर जो है वो प्रदर्शन करता हुआ देखने को आपको नहीं मिला होगा। हालांकि कहीं ना कहीं किसानों के में अलग अलग प्रकार के आपको संगठन जरूर देखने को मिले होंगे जो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, या विपक्षी पार्टियां जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी, मगर आज आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस खेमा जो है एक बार फिर से विपक्षी रूप में जो है उतरता हुआ नजर आया है और कहीं ना कहीं हल्ला बोलता हुआ नजर आया है, जिनका साफ तौर पर स्पष्टीकरण ये था कि ये जो कानून लाया गया है किसानों के हित में नहीं है और लगातार जो है कांग्रेस खेमा जो है विरोध करता रहेगा। आपने जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट जो है रमन भल्ला जो है, उनकी पूरी आपने बातचीत सुनी है और किस तरह से की बात रखी है कि जो किसानों के लिए जो एक गड़बड़ता की जा रही है, किसानों को रोंदा गया, किसानों की ही बात की जा रही थी, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा और ये विरोध जारी रहेगा। और अब आते हैं प्रियंका गांधी वाडर की बात करें तो आपने देखा कि जिस तरह से अब लगभग जो है 28 से अब 30 से 31 घंटे जो है वो बीत चुके हैं, 31 घंटों का ज्यादा समय जो हो चुका है अभी तक जो है डिटेन किया गया है, हालांकि पूरी तरह से कारणों का बताया नहीं गया है। उस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि प्रियंका गांधी भी जो पूछती हुई नजर आ रही थी कि आप किस धारणों पर जो है, कौन से आधारों पर जो है आप हमें डिटेन कर रहे हैं, हालांकि वहां पर उस समय धारा 144 जो है वो लागू नहीं की गई थी और धारा 144 के तहत जो है 4 लोग एकत्रित हो सकते हैं और उन जो 4 लोग एकत्रित होते हैं
पुलिस का एक कानूनी प्रक्रिया रहती है जिसमें लोगों को डिटेन किया जाता है, मगर आपने देखा कि उस समय वो धारा जो है वो लागू नहीं की गई थी जब प्रियंका गांधी उन लोगों से मिलना चाहती थी, उनके परिवार के सदस्यों से मिलना चाहती थी, और उसके अंदर तो कहीं ना कहीं राजनीति देखने को जरूर मिल रही थी। हालांकि अगर कांग्रेस खेमा वहां पर मिलने जाता तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं तुल पकड़ती हुई नजर आ रही थी। मगर उसी के कांग्रेस खेमा का ये कह रहा है, देखिए हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिर्फ अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है, किसानों की बात कहीं पर भी की नहीं जा रही। देखिए आज भी जो प्रदर्शनों का सिलसिला हो रहा है वो प्रियंका गांधी के लिए हो रहा है, बल्कि जो किसान कानून है उसके लिए कहीं पर भी प्रदर्शन नहीं किए जा रहे। नहीं, इस पे आपको मैं एक चीज बताना जरूर चाहूंगा, किसानों के साथ साथ अगर उससे पहले प्रियंका गांधी की बात कर रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहे थे, आपने देखा कि उन्होंने जरूर कहा है कि उनकी बात भी रखी गई, किसानों के हित की बात भी रखी गई, किसानों की बात भी की गई है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब तक जब मैंने शुरुआत किया था तो आपने सुना होगा कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएंगे, कांग्रेस के ही वाइस प्रेसिडेंट रमन भल्ला की बात करें तो उनका भी ही मेरे जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था कुछ देर पहले तो उनका ही कहना था, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट योगेश सहनी जो है उनका भी यही कहना था कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे मैं ये आंदोलन और हमारी पार्टी जो है हमारी चाहे कांग्रेस की पूरे देश की अगर हम बात तो लगातार यूथ कांग्रेस हो, कांग्रेस हो, सीनियर दिग्गज नेता हो, विरोध करते रहेंगे। अगर आपने कांग्रेस के खेमे की अगर हम बात करें, महासचिव प्रियंका गांधी की बात करें, तो आपने देखा कि जिस तरह से उन्हें डिटेन किया गया है, अब लगभग 31 से 32 घंटे का समय हो चुका है, 31 घंटे का समय हो चुका है अभी तक उन्हें डिटेन किया गया है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब अगर हम जा रहे थे बातचीत करना चाहते थे तो इसमें कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल, और जिस तरीके से अनिल ने बताया कि जो प्रदर्शन है वो वहां पर किया जा रहा है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। तो चलिए अब आपको सांवा लिए चलते हैं और सांवा से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्टाफ व अन्य बुनियादी सुविधाओं से गवर्नमेंट एक्सीडेंटल हॉस्पिटल घगवाल जूझ रहा है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्टाफ की कमी के साथ साथ जो बाकी बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही है। कोविड के दौरान अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किए गए स्टाफ की वापसी अभी तक इस हॉस्पिटल में नहीं हुई है और इस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सीडेंटल हॉस्पिटल घगवाल है, और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग पर सुनवाई ना करने का भी आरोप यहां पर लगाया हुआ है। इलाज की सभी सुविधाएं ना मिलने पर लोगों में भी रोष दिखता रहा है और कोविड के दौरान जितने भी हॉस्पिटल से जो स्टाफ को शिफ्ट किया गया था उनकी वापसी अभी तक हॉस्पिटल में नहीं की गई है, और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उन्होंने भी कहा कि जब उन्होंने सरकार से या स्वास्थ्य विभाग से इस बारे में बात की है तो उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो ज्यादा जानकारी क्या है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही कि अभी तक जो स्टाफ है उनकी वापसी इस हॉस्पिटल में नहीं हो पाई है। ऋषि, हम हॉस्पिटल की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर भी बहुत से मरीज आते होंगे, लेकिन कोविड के समय जब स्टाफ को शिफ्ट किया गया था बाकी हॉस्पिटल्स में तो अभी तक उनकी वापसी क्यों नहीं हुई, अभी तक उनको इस हॉस्पिटल में क्यों नहीं बुलाया गया है? देखिए बिल्कुल, आपको पल्लवी बता दें कि जिस तरह से लगातार हम कई अस्पतालों का देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्राइसिस सामने आते हैं कि जिससे जो पेशेंट्स हैं या उनके तीमारदार हैं उनको सफर होना पड़ता है। लेकिन अगर घगवाल के ट्रॉमा सेंटर यानी इस एक्सीडेंटल अस्पताल की बात करें तो यहां पर दिक्कत परेशानी जो है वो पेशेंट्स को झेलनी पड़ रही है, यहां जो उनके तीमारदार उनको झेलनी पड़ रही है, और कारण यह है कि यहां पर डॉक्टर्स की काफी ज्यादा कमी है, और कमी इसलिए बनी है कि जो कोविड के दौरान जब इस अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया था तो वहां से कई डॉक्टर्स को यहां से शिफ्ट किया गया दूसरे अस्पतालों में, लेकिन अभी तक उन डॉक्टर्स की वापसी नहीं हो पाई है, जिसके चलते यहाँ पेशेंट जो दूरदराज एरिया से यहाँ तक पहुंचते हैं क्योंकि बॉर्डर का इलाका भी यहाँ पर कैटर किया जाता है, तो वहां के लोगों को काफी सफर होना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार इसको लेकर वो बात प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान इसके ऊपर नहीं लिया गया है। अगर लिया गया है तो इक्का दुक्का डॉक्टर यहाँ पर जरूर वापसी कर चुके हैं, लेकिन मेन डॉक्टर्स की बात करें जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात आती है या और भी फिजिशियंस की बात आती है या आर्थो के डॉक्टर्स की बात आती है, तो ये डॉक्टर यहां पर नहीं है, और जिसके चलते यहां पर काफी दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की अगर बात करें तो यहां पर भी उसके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल पाई हैं, और यहां
डीसी सुषमा चौहान हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने वक्त में डीसी फंड से लगभग 80 लाख रुपए सैंक्शन किए थे जी। और उस 80 लाख में ये पूरा ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर फुल फ्लेज होना था, वर्किंग में आना था, लेकिन अभी भी कुछ मशीनरी यहाँ पर नहीं लग पाई, जिसके चलते ऑपरेशन थिएटर अभी भी आप ये कह सकते हैं कि वहां काम नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सुविधा दी जा रही है और हम चाहते हैं कि ये प्लांट लगना चाहिए, क्योंकि कोविड के जो पेशेंट आएंगे उनको काफी ज्यादा इससे राहत मिलेगी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि कोविड के दौरान कितना क्राइसिस सामने आया था, मात्र 2 ही प्लांट पूरे जिला सांबा में हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी है, जिसमें से गगवाल इस अस्पताल में भी ये प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 2 दिन के बाद खुद जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है या अन्य स्टाफ की कमी है, तो इस प्लांट को चलाया किस तरह से जाएगा, किस तरह से इस प्लांट को चलाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं चल पाएगा तो हम किस तरह से कहेंगे कि जो सक्सेसफुल एक ये कह सकते हैं कि एक दहलीज जो वो प्रशासन ने पार कर ली है। लेकिन लगातार अगर बीडीसी चेयरमैन की बात करें इस गगवाल ब्लॉक की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार हम ये बात उनके संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा, यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं की कमी अभी भी इस अस्पताल में साफ तौर पर छलकती हुई नजर आ रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये जो मंत्री जितने भी यहां पर दौरा कर रहे हैं, ये बंद कमरों में मीटिंग ये सीमित ना रह जाएं, ये पब्लिक के साथ मिले, पब्लिक की बातों को सुने, तभी हम कहेंगे कि इन मंत्रियों का दौरा सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जो मंत्री यहां पर विजिट कर चुके हैं, तो वो भी हमने देखा कि मात्र आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है या फिर जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ मीटिंग हुई है, पब्लिक के साथ 1-to-1 नहीं हो पाया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि अगर पब्लिक के साथ 1-to-1 होता है, तो तभी जो जमीनी सतह पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही, उन दिक्कतों का हल वो मंत्री करेंगे, ना कि एक हॉल में बैठकर मीटिंग करके वो वापस चले जाएंगे और इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुझे लगता है कि अगर इस अस्पताल में वो इसका इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का, तो वहां पेशेंट्स के साथ भी वो जरूर रूबरू हो, ताकि सही पिक्चर पता चल पाए कि आखिर दिक्कतें कहां पर नजर आ रही हैं। देखिए ऋषि, हम बात करें अगर इस हॉस्पिटल की, तो इस हॉस्पिटल में अभी तक बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, लेकिन वहीं पर जो फंड्स रिलीज किए जाते हैं हॉस्पिटल के नाम पर, वो उनका यूटिलाइजेशन कहां पर होता है, उनको कहां पर यूज किया जाता है, इसको लेकर किसी तरीके की कोई भी अभी तक इंक्वायरी नहीं बैठी हो, कि किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की गई हो। देखिए पल्लवी, बिल्कुल सही कहा आपने, जो फंड्स रिलीज सैंक्शन किए जाते हैं, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो वो फंड्स लैप्स हो जाते हैं, जो जिस चीज के लिए वो फंड्स लाए जाते हैं वो ना तो चीज वो बन पाती है, और वो फंड लैप्स हो जाते हैं, फिर दोबारा से वो वापस फंड तो नहीं आ सकते, लेकिन दोबारा से आपको टेंडरिंग वगैरह करके फिर उस प्रोसेस को दोबारा चलाना पड़ता है, तो इससे इतने लंबे समय में कितनी देर तक परेशान होंगे पेशेंट जो उनके तीमारदार, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 80 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे यहां सुषमा चौहान जी द्वारा, जो डीसी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऑपरेशन थिएटर पिछले 3-3.5 साल में नहीं चल पाया है, तो आप कहां से कहेंगे कि हम हर सुविधाएं जो है वो अच्छे से दे पा रहे हैं। ये सिर्फ और दावे और वादे जो वो कागजों में आपको जरूर दिखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर गगवाल का ट्रोमा सेंटर यानी एक्सीडेंटल अस्पताल में अभी भी कार्य सही से नहीं किया जा रहा, अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही, तो ये सवालों के घेरे में है, और मुझे लगता है कि मंत्री साहब को आकर इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार में जाकर वो ये मैसेज दें कि यहां पर अभी भी काफी दिक्कत परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि। और सांभा की अगर बात करें, तो गवर्नमेंट एक्सीडेंटल हॉस्पिटल गगवाल की जो हालत है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, मूलभूत सुविधाओं से ये हॉस्पिटल जूझ रहा है, और साथ ही साथ जो स्टाफ की कमी है वो भी इस हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है। अब उसी को लेकर क्या कुछ और कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पूरे हॉस्पिटल का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जहां आतंकवाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं पर अब उसे चीन का भी पूरा साथ मिल रहा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत भी भविष्य में जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान चीन की मदद से भी जम्मू कश्मीर में खुराफाते करने की बाज से बाज नहीं आएगा, और इस आशंका के मद्देनजर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बेहद चौकन्ना रहना पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू सूबे में ड्रोन से हथियार इस ओर पहुंचाने में पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि दहशतगर्दों के मारे जाने से पाकिस्तान बौखला गया है, और वह अब आए दिन तौर तरीके अपनाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत काबिज हुई है, उसका असर भारत पे पड़ेगा, कब पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये सोच का विषय है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उड़ी सेक्टर में
छह आतंकवादी मारे गए थे और एक पकड़ा गया था, और उसमें से दो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के थे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो कभी भी प्रॉक्सी वॉर को ख़त्म नहीं करेगा, और उसके लिए उसके पास अपने जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, अभी उसको दुनिया भर के जो ट्रेन टेररिस्ट हैं, मर्सरीज हैं, वो उसको मिल जाएंगे। और ये नेचुरल है कि पाकिस्तान चाइना की सपोर्ट के साथ J&K के अंदर जितनी ज़्यादा खुराफात कर सकता है वो उसको करेगा। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारे लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो तभी निकल सकता है कि जब हमारे जो नागरिक हैं वो जागरूक हों, वो बॉर्डर के ऊपर नज़र रखें, और ख़ासकर जो घर के अंदर बैठे हुए उनके सहयोगी हैं, गोरगरों वर्कर और सी पर्सन्स, उनको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके यूटिलाइज किया जाए। पाकिस्तान की ये लगातार फितरत रही है कि वो खुशहाली में खुश और अमन में शांत नहीं रहना चाहता। अभी ये जो ड्रोन से हथियार फेंके गए हैं रजौरी सेक्टर में, सतवारी के फला सेक्टर में, ये सब दर्शाता है कि जब उनकी सीज फायर वॉल्यूशन को मार पड़ी और सीज फायर वॉल्यूशन उन्होंने रिक्वेस्ट खुद करके मार खाने के बाद बंद कराया, फिर इन्फिल्ट्रेशन का दौर जारी रहा। अब इन्फिल्ट्रेशन पर भी काफी हद तक पाबंदी लग गई है और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा इतना मजबूत हो गया है कि अब उनके लिए आना काफी मुश्किल हो गया, और आते हैं तो मारे जाते हैं। दहशतगर्दी को पाकिस्तान ने एक बड़ी बढ़ावा दिया और काफी ज्यादा जोर शोर से यहां पर कत्लोगाम गैरत हुआ, इनोसेंट लोगों की जाने गई। उस सब को देखते हुए जब आज दहशतगर्दी की नकेल कसी गई है, रोज दोषात दो चार दहशतगर्द जहन्नुम भेजे जा रहे हैं, तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है उन मुमालिक जो जम्मू कश्मीर में ज्यादातर सरकारी परियोजनाओं का बड़े ही जोश और खरोश के साथ मसौदा तैयार हो तो किया जाता है, लेकिन ये परियोजनाएं अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है और बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। ऐसे ही कुछ जम्मू सूबे के रियासी जिले के साथ भी हुआ। रियासी में अरनास ब्लॉक की बिड्डा पंचायत में साल 2017 में विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने का सपना स्थानीय लोगों को दिखाया गया था, जो आज तक साकार नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए यहां बकायदा हवा की टेस्टिंग के लिए एक टॉवर भी लगाया गया था, जो मौजूदा समय में मात्र शोपीस साबित हो रहा है। स्थानीय युवाओं को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिलने की उम्मीद की किरण जगी थी, जो अब पूरी तरह से धूमिल हो गई है। ये बिंड प्रोजेक्ट लगभग अज कोलों कोई 13 साल पहले 2008 लग्या हा, तो अज तक ये खंभा जो सामने लग गया, तो उस भी दिखा दे होने इं लग्या पेदा, तो पता नहीं हूँ कई बार थोड़े चिर साल दो साल मिनिस्टर उतार के बंदे आते रहे इसी चैक करने, ये मीटर लगे था कोई एक तो इसी चैक करने आते रहे, लेकिन वह बाद कोई भी कार्रवाई ये पर नहीं हुई है। हूँ के चक्कर हा, के कारण है, ये असें नहीं पता है, तो हूँ के बोली सकने ये बारे। मैं आखना कि ये लगना चाहिए ये कि मते सारे लोगों की जोड़ा कि रोजगार लभना है। तो चलिए, अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।